हेलो दोस्तों, आज हम फिर आए हैं आपके पास एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर। और आज का हमारा टॉपिक है वेयरहाउस सब्सिडी इन 2024। जी हाँ, आज ये टॉपिक बात करने वाला है सब्सिडी के बारे में वेयरहाउस बनाने पर। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि वेयरहाउस बनाने पर भारतीय सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सिडी का प्रावधान कर रखा है। सब्सिडी मिलती है आपको 25% से लेकर 33% तक। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि आपका जो वेयरहाउस है उसका निर्माण नगर निगम सीमा से बाहर होना चाहिए। अगर आप नगर निगम सीमा के अंदर बनाते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। और क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि आपको बैंक से फाइनेंस लेना जरूरी है। अगर आप बैंक से फाइनेंस लेते हैं तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी, बिना फाइनेंस किसी में सब्सिडी नहीं मिलती है। क्षमता कितनी होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए आपके वेयरहाउस की 50 मीट्रिक टन से लेकर 5000 मीट्रिक टन तक। और इसके साथ में आपको ध्यान ये रखना है कि आप बैंक से जो लोन ले रहे हैं वह आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का न्यूनतम 50% और अधिकतम 80% तक होना चाहिए। इससे कम लोन होने पर या ज़्यादा लोन होने पर आपको यह सब्सिडी नहीं मिलेगी। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, जिस ज़मीन पर ये बना रहे हैं वह ज़मीन आपकी खुद की होनी चाहिए, या फिर अगर आप लीज पर ले रहे हैं तो कम से कम वेयरहाउस आपका लीज 15 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ में दोस्तों, आपको ध्यान ये रखना है कि आपने वेयरहाउस बनने के बाद इसका इंस्पेक्शन कराना है। इंस्पेक्शन की गाइडलाइंस में चेंज हो चुका है और गाइडलाइंस के हिसाब से अब आपको नाबार्ड से इंस्पेक्शन नहीं कराना है, आपको केवल बैंक से इंस्पेक्शन कराकर अपनी रिपोर्ट लगानी है। आप ऐसा करते हैं तो सब्सिडी मिल सकती है आपको। सब्सिडी की दर है वह है 25% मेल एंटरप्रेन्योर के लिए या ऐसे एंटरप्राइज के लिए जिसमें कि मेल्स आपकी ज़्यादा हों। और अगर आप फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं या आप SC ST हैं या फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपके लिए यह सब्सिडी हो जाती है 33% और अधिकतम सीमा है इसकी 50 लाख रुपये, और अदर कैटेगरी के लिए है 37.50 लाख। दोस्तों, ये मैंने आपको नक्शल में बताया। अब कई प्रश्न आते हैं कि सर बनाने में जगह कितनी चाहिए, तो आप मोटा समझ लें इसको कि एक टन के लिए 6 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर 5000 टन बना रहे हैं तो लगभग 30,000 स्क्वायर फीट में आपका एक चैम्बर बनेगा। साथ में एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए, बेवरेज है, ऑफिस है, इन सब के लिए एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर अगर 40 से 45,000 स्क्वायर फीट अगर आपके पास एरिया है तो आप 5000 टन तक का वेयरहाउस बना सकते हैं। आपके और भी कोई सवाल हैं, कोई जानकारी चाहिए हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।